हेलो एवरीवन आप सभी का एक बार फिर हमारी इस क्लास में स्वागत है आज की जो हमारी क्लास है वो है नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा छः के लिए और जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं इस टॉपिक पर हम आज कवर करेंगे जो भी पिछले सवाल आए हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा में उन सवालों को भी कवर करेंगे साथ में सबसे पहले हम इस टॉपिक को ही समझेंगे ठीक है हमारा जो ये क्लास होती है नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए मैं आपको बता देता हूँ शुरू करने से पहले वीडियो को कि इस क्लास में सबसे पहले तो हम जो टॉपिक है इसमें जितने भी तरीके के सवाल होते हैं उन्हें हम पढ़ाते हैं उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए उन्हें पढ़ाते हैं और उसके अलावा जो पिछले साल नवोदय प्रवेश परीक्षा में आ चुके हैं पिछले पाँच सालों में प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें भी हम आगे कराते हैं ठीक है तो संक्रियाएं मतलब चार तरह की होती हैं जोड़ घटाना गुणा भाग आप सभी को आती हैं उन्हीं संक्रियाओं पर आधारित ये सवाल है ठीक है तो सबसे पहले हमने एक जोड़ का सवाल लिखा है छ छ पर आधारित है मतलब इस तरीके से थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए मैंने लिख दिया है कि इस सवाल अगर पेपर में आ जाए तो आप कन्फ्यूज ना हो जाए तो मैं इसे करके दिखा रहा हूँ आपको तो क्या करेंगे हम सबसे पहले वैसे तो मुझे पता है आपको जोड़ना आता होगा जब आप नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर इतना टैलेंट है आप इतने होशियार होंगे कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा पर क्या होता है नवोदय प्रवेश परीक्षा में एक स्टेप आगे के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये बच्चे को आता होगा अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो इसे करके दिखाएगा तो वो नवोदय प्रवेश परीक्षा पास कर पाएगा और नवोदय विद्यालय में प्रवेश कर पाएगा तो इसी तरीके से हमने भी थोड़ा एक स्टेप आगे के प्रश्न इसमें लिखे हैं तो हमारी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा जरूर अगर आप इस क्लास को ध्यान से समझेंगे तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न नवोदय प्रवेश परीक्षा में आएगा तो आप निश्चित रूप से उसे कर पाएंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले इसे जोड़ने के लिए छ छ हैं और हम संख्याओं को पीछे से लिखते हैं चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो चाहे गुणा हो हम संख्या को लिखेंगे पीछे से अब ये छः 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 है तो हम लिखेंगे इसे छः, छः छः फिर अकेला छः है और फिर पाँच बार है एक दो तीन चार पाँच और फिर चार बार है एक दो तीन चार समझ में आ गया आपको ये नहीं कि इसके आगे लिख देंगे छः 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 वो गलत होगा इसे जोड़ देंगे छः बारह अठारह चौबीस तीस का जीरो हासिल लगा तीन छः बारह अठारह चौबीस और तीन सत्ताईस हासिल लगा दो छी अठारह और दो बीस हासिल का दो छः दूनी बारह तेरह चौदह छः गम छः और एक सात ये आ गया हमारा आंसर चार विकल्प दिए होंगे उसमें से आपको इस पर टिक लगा देना है इसी तरीके से ये सवाल है घटाने का एक सवाल है हमने एक एक सवाल लिखा क्योंकि हमें पता ही मेरे आपको आता होगा फिफ्थ क्लास अगर बच्चा कर चुका है तो उसे एक आते हैं फिर भी हमने एक बार अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं तो हम इन चारों सवालों को लिख रहे हैं नाइन जीरो सेवन वन जीरो वन जीरो माइनस करना है यानी कि इसमें अंक है हमारे नौ और इसमें अंक है हमारे सात तो कैसे करेंगे सबसे पहले इसे लिखेंगे और फिर पीछे से हम इसे लिखेंगे पीछे से लिखेंगे मेनली मैंने इन सवालों को इसीलिए लिखा है कि मैं आपको ये बता सकूंग जोड़ने घटाने में हम संख्याओं को पीछे से लिखते हैं तो सात में से पाँच गया दो बचा हासिल की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ हासिल लेना पड़ेगा एक में से नौ नहीं जा सकता तो हासिल जीरो नहीं देगा ये देगा हासिल यहाँ दस होंगे यहाँ ग्यारह ग्यारह में से नौ गया दो यहाँ नौ बचेंगे यहाँ दस में से एक गया नौ यहाँ नौ में से सात गया दो यहाँ बचेगा हमारा ज़ीरो सात में से एक गया छः और ज़ीरो और नौ ये आ जाएगा हमारा घटाने का आंसर घटाना आपको आता होगा हासिल कहाँ से कैसे लेना है वो आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको आते होंगे खूब अच्छी तरीके से फिर एक ये गुणा का सवाल है और नीचे फिर दो सवाल और लिखे हैं मैंने उसी से रिलेटेड गुणा से ही तो गुणा में तेहरी गुणा है आपको आती होगी तिहरी गुणा तीन अंकों की गुणा का मतलब तेहरी दो अंकों की गुणा का मतलब दुहरी होती है तो पांच की गुणा करनी है अस्सी हजार पांच सौ तीन में तो गुणा करेंगे पहला पांच पंद्रह का पांच हासिल एक और जीरो की किसी में भी गुणा करते जीरो होता है तो जो हासिल होता है वो उतर जाता है इसलिए मैंने जीरो को ही इन सवालों में जरूर लिखा है समझ रहे हैं जब 5 थी पाँच या पंद्रह का पांच हासिल एक तो जीरो को मैंने यहां पर लिख दिया तो पांच की जीरो में गुणा जीरो हो गई जो हासिल कहा वो आएगा ऐसी पांच पंच पच्चीस का पांच हासिल दो लगेगा पांच की जीरो में गुणा जीरो किसी भी संख्या की जीरो में गुणा जीरो हो जाती है तो जो हासिल बचेगा वो दो आ गया और पाँच अठे चालीस गुणा जीरो की गुणा करेंगे इन पांचों में तो पाँच जीरो आ जाएंगी क्योंकि जीरो की गुणा करने पर सब आ जाता है जीरो ऐसे ही तीन की गुणा करेंगे तीन तीन नौ कुछ भी हासिल नहीं लगा तीन की जीरो में जीरो तीन पंजे पंद्रह का पांच हासिल लगा एक तीन की जीरो में जीरो तो एक आ जाएगा और तीन अट्ठे चौबीस इन्हें अब जोड़ देंगे पांच एक नौ और पांच चौदह का चार हासिल एक दो और एक तीन पांच चार और एक पांच चार और दो ये आ गया हमारा उत्तर ये तो आपको गुणा करनी आती होगी देखिए इन गुणा को सिखाता हूं जैसे ये गुणा करनी है सात जीरो पांच चार दो चार में सौ की तो देखिए सौ की गुणा हो एक हजार की गुणा हो दो हजार की गुणा हो तो इसमें क्या करते हैं जितनी जीरो लग रही होती है उतनी जीरो लगा के हम संख्या को उतार देते हैं दो जीरो लग रही है तो जी दो जीरो लगा लो यही संख्या उतार दो क्योंकि एक की गुणा करने पर वही संख्या हमारी आ जाती है अगर यहाँ पर दो होता तो दो की गुणा कर देते बस दो सौ की गुणा करने की जरूरत नहीं थी केवल दो की करते और दो जीरो लगा देते लास्ट में होता तो इसमें केवल तीन की गुणा कर देते और दो जीरो लगा देते अब जैसे इस सवाल में है इसमें कितनी जीरो है चार जीरो पर कितना एक है तो एक की गुणा करने पर तो यही संख्या आ जाएगी तो इस संख्या को लिख देंगे और इसके कितनी जीरो लगा देंगे एक दो तीन चार चार लगा देंगे इसके आगे हम जीरो ठीक है और अगर यहां पर चार होता तो चार जीरो तो ऐसे आएंगे फिक्स है वो तो चार की गुणा कर लेते हैं अलग बस पूरी इतनी बड़ी गुणा करने की हमें जरूरत नहीं है इसलिए मैंने इन दो सवालों को यहां पर लिखा है कि अगर ये सवाल पेपर में आ जाते हैं तो आपको कोई लंबी चौड़ी गुणा करने की जरूरत नहीं है अब अगला सवाल है वो है भाग का ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाग के सवाल आपको आने चाहिए और इस पर आधारित सवाल ही पिछले आपके पूछे जाते रहे हैं उन्नीस से भाग करना है चौहत्तर उनहत्तर सात सौ चौवन भाग करना आपको मिल नहीं आता होगा पर जो मेन चीज इसमें मैं बताऊंगा भाग के लास्ट में बताऊंगा पहले भाग कर लेते हैं सबसे पहले जाएगा उन्नीस तीस सत्तावन घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा सात एक फिर 6 उन्नीस निम्मा एक सौ इकहत्तर पाँच बचा नौ उतारा उन्नीस तीस सत्तावन दोबारा चला गया दो अब 7 सात उन्नीस एकम उन्नीस कितने बचे आठ पाँच उतारा अब उन्नीस चौका छिहत्तर जाएगा ये बचा नौ चार उतारा और उन्नीस चौका छिहत्तर दोबारा जाएगा और अब ये हमारा अठारह ये हो गया हमारा शेष अब इसमें जो चार चीजें मैं बताऊंगा मेनली लिए। उसी लिए मैंने ये सवाल लिखा और वो वही चीज जो है आगे यूज होगी वो चार चीजें कौन कौन सी हैं वो चार चीजें हैं हमारी भाज्य भाजक भागफल और शेषफल या शेष ये चार चीजें आपको पता होना चाहिए इन चार चीजों पर आधारित एक सूत्र है जो मैं नीचे लिख रहा हूं सूत्र ये है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस ये हमारा सूत्र है इस सूत्र का हम यूज करेंगे काफी सारे सवालों में जो आगे मैंने लिख रखे हैं इसलिए सूत्र को मैंने आपको बता रहा हूं अब देखिए भाज्य क्या होता है भाज्य वो संख्या है जिसमें हम भाग करते हैं सात चार छ नौ सात पाँच चार ये हमारा है भाज्य भाजक क्या होता है जिससे भाग कर रहे हैं और देखिए भाग फल तो आपको पता ही फल मतलब जो हमें मिल रहा है जो हमें फल मिला है फल क्या मिला है ये मिला है उत्तर उत्तर वो कहते हैं भागफल और नीचे जो बचता है उसे तो आपको पता ही होगा इसे कहते हैं शेष तो अगर इन दोनों की गुणा करके इसे जोड़ दें यानी कि भाजक और भागफल की गुणा करके शेष फल को जोड़ दें सूत्र के अनुसार तो हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी तो हम सही कर रहे हैं वाला अगर हमें अपना भाग का सवाल चेक करना है ना कि हमने भाग का सवाल सही किया नहीं किया है तो क्या करो इसकी और इसकी गुणा करके इसे जोड़ दो इतना अगर आ जाए तो समझ लो आपने भाग सही किया वरना गलत किया है तो दोबारा बता देता हूँ भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष ये सूत्र है हमारा भाज्य उसे कहते हैं जिसमें हम भाग कर रहे हैं जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वो हमारा भाजक होता है जो उत्तर आ रहा है वो भागफल और जो नीचे बचता है उसे कहते हैं शेष ठीक है तो ये चार संक्रियाओं का एक एक सवाल मैंने आपको समझा दिया है अब मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न मेरे हिसाब से हैं और जो पिछले आए हुए हैं वो मैंने लिखे हैं जो कि इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करने से ही आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा में सहायता मिलेगी तो इन सवालों को जरूर ध्यान ध्यान से देखिएगा पहला प्रश्न है एक प्रश्न में यदि भाजक भागफल और शेषफल क्रम से सैतालीस बयालीस हैं तो भाज्य ज्ञात कीजिए यानी कि जो मैंने भी सूत्र बताया था ये उसी सूत्र पर आधारित है भाज्य भाजक से फल दे रखे हैं और बताना क्या है भाज्य बताना है तो सूत्र लगा देंगे वो ही वाला भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष अब जो जो चीज दे रखी है वो बोले तो भाज्य हमें निकालना तो ये तो निकालना है भाजक कितना है हमारा सैतालीस भागफल कितना है बारह और प्लस शेष कितना है उनतीस यानी कि इन दोनों गुणा करके इसे जोड़ दो जो ठीक हो लगा दो तो अगर आपको ये वाला सूत्र पेपर में पता होगा जब भी आप इस सवाल को कर पाओगे तो बारह गुणा करेंगे तो आएगा चौरासी अड़तालीस और आठ छप्पन प्लस उनतीस तो ये आ जाएगा पांच सौ तिरानवे तो ये वाला बी वाला उत्तर हमारा ठीक है बी वाला गोला ओ एमआर सीट मिलेगी आपको उसमें भर देना है पंद्रह हजार नौ सौ अड़सठ को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर विभाजित का मतलब क्या होता है भाग करने पर भागफल आता है नवासी और शेष फल आता है सैंतीस वह भाजक है यानी कि एक बार मैं आपको ऐसे बताता हूँ आपकी समझ में आएगा अगर पंद्रह हजार नौ सौ सड़सठ को एक निश्चित संख्या ये वाली संख्या में पता नहीं कितनी है यानी कि हमें भाजक नहीं पता ये भाजक ही तो है भाज्य ये रहा भागफल आता है नवासी और जो लास्ट में शेष फल आता है वो है सैंतीस सूत्र यही लगेगा बस इस बार ये वाली चीज हमें निकालनी है ये दे रखी है ये कैसे निकालेंगे वो देखिए सबसे पहले तो इसी सूत्र को लगा दो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस अब हमारा भाज्य इस सवाल में दे रखा है पंद्रह हजार नौ सौ अड़सठ भाजक हमें पता नहीं है तो हम इसकी जगह एक्स मान लेंगे ठीक है एक्स को के कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि आपने अभी तक इस सवालों को पढ़ा नहीं है पर इतना कैड़ा भी नहीं है भाजक को हमने एक्स मान लिया गुणा भागफल कितना है हमारा नवासी और शेषफल कितना है सैंतीस इसे हल करना है एक्स का मान कैसे निकालेंगे देखिए बहुत आसान है सबसे पहले जो सैंतीस इधर प्लस का इधर जाके हो जाता है माइनस का इसे कहते हैं पक्षांतर करना ठीक है क्या कहते हैं पक्षांतर करना पक्षांतर मत क्या होता है जो बराबर के इस तरफ संख्या या इस तरफ से इस तरफ ले जाओ या इस तरफ से इस तरफ ले जाओ इसे पक्षांतर करना कहते हैं उसमें क्या होता है जिस संख्या को ले जा रहा है उसका चिन्ह बदल जाता है अगर वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा गुणा है तो भाग और भाग है तो गुणा समझ में आ गया अगर बराबर के इस तरफ से इस तरफ ले जाओ संख्या को या इस तरफ से इस तरफ तरफ से ले जाओ तो उन संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं बस तो मैं पहले प्लस वाली संख्या को ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगी पंद्रह हजार नौ सौ अड़सठ माइनस सैंतीस यहां बचेगा एक्स गुणा नवासी ठीक है जी इसे घटा देंगे सैंतीस को इसमें से आठ में सात गया एक छह में तीन गया तीन पंद्रह हजार नौ सौ इकतीस बचे अब मैंने बताया दोबारा पक्षांतर करना देखिए पहले तो इसे पक्षांतर किया हमने अब इसे करेंगे तो गुणा का हो जाएगा क्या भाग तो यहाँ तो x बचेगा यहाँ हो जाएगा पंद्रह हजार नौ सौ इकतीस बटे नवासी ये भाग का निशान है नवासी से इसमें भाग कर दीजिए तो नवासी से भाग करेंगे देखिए यहां करके देख रहा हूं मैं नवासी से भाग करेंगे पंद्रह नौ सौ इकतीस में तो पहले ये एक बार ही जाएगा नवासी एकम नवासी जीरो बचे सात तीन और अब केवल पहले पहले अक्षर से अंदाजा लगा लेंगे हम आठ से सत्तर में अठे अठे चौंसठ आठ बार जा सकता है आठ निम्मा बहत्तर अट्ठू अट्ठू चौंसठ जाते तो नहीं जा रहा सात बार जाएगा इन दो अक्षरों से अंदाजा लगा लेते हैं या तो उतने बार जाएगा या उससे एक आध कम या ज्यादा ही हो सकता है जैसे आठ से चौसठ सत्तर में भाग करेंगे तो आठ बार जाएगा पर आठ बार में ज्यादा जा रहा है तो सात बार तो जरूर चला जाएगा सात निम्मा तड़सठ हासिल का छह सात अट्ठे छप्पन और छह बासठ फिर घटा दो जीरो बचा आठ बचा एक और अब चला जाएगा ये पूरा अट्ठे बार आठ सौ एक तो इन सब में कौन सा उत्तर सही है अट्ठे बारे निम्मा बार जाएगा निम्मा बार पूरा आठ सौ एक तो ये वाला उत्तर हमारा सही है एक सौ उनासी ठीक है तो ये हल करना आप ध्यान समझ लीजिए पक्षांतर क्या होता है संख्याओं को पक्षांतर करते हैं तो उनके चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं अब चलते हैं सवाल नंबर तीन की तरफ यदि पांच तीन चार छः सात सात को सत्रह से विभक्त किया जाए तो भाजक और शेषफल में अंतर क्या है तो सत्रह से विभक्त किया जाए मतलब सत्रह से पहले इसमें भाग किया जाए और जो भाजक और शेषफल जो आएगा उसमें अंतर बताना तो भाग कर लो पहले तो पाँच तीन चार छ सात सात तो पहले तो जाएगा भैया सत्रह तिया इक्यावन भाग करने की स्पीड आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए फिर जाएगा सत्रह एकम सत्रह पहाड़े अच्छे कंठस्थ होने चाहिए बिल्कुल एक बार में ही सत्रह चौक अड़सठ सत्र। इसके बाद भाग में यहाँ कर रहा हूँ कितने बचे आठ इसके बाद उतारेंगे सात सत्रह चौक अड़सठ सत्रह पंजे पचासी कितने बचे दो बचे इसके बाद साथ उतारा सत्रह एकम सत्रह तो शेष कितना बचा हमारा ये दस है शेष शेष तो बच गया दस और किसका निकालना भाजक भाजक क्या होता है आपको पता है जिससे हम भाग करते हैं जाने की सत्रह तो इन दोनों का अंतर पूछा है क्या पूछा बार पढ़ लो सवाल को इससे विभक्त किया जाए तो भाजक और शेषफल में अंतर है अंतर निकाल दो घटा दो कितना बचेगा सात बचेगा ये उत्तर आ गया तो थोड़ा सा सवाल को क्या किया है घुमा दिया है कंफ्यूज नहीं होना है केवल सिंपल भाग का सवाल समझ लो इसे बस अगला है अब ये पक्षांतर करने पर आधारित है तीन दो एक चार माइनस एम बराबर सात छः तीन दो माइनस इतना तो एम का मान क्या है इन चारों में से सही उत्तर हमें छाट के लिखना है तो जो मैंने अभी पक्षांतर करना आपको सिखाया था ये उसी पर आधारित एक सवाल है देखिए तीन दो एक चार माइनस एम बराबर सात छ तीन दो माइनस चौंसठ बानवे तो सबसे पहले देखिए इसमें से एम तो घटेगा नहीं क्योंकि एम हमारा एक चरपद माना जाता है ये संख्या है इसमें से एम नहीं घटेगा संख्या में संख्या तो घट जाएगी तो पहले इसे घटा लो अलग सात छह तीन दो में से छह चार नौ दो को कर दो माइनस दो में से दो गया जीरो तेरह में से नौ गया चार पांच में से चार गया एक और छह में सात गया छह में सात में छह गया एक हजार एक सौ चालीस यानी कि बत्तीस सौ चौदह माइनस एम बराबर एक हजार एक सौ चालीस अब देखिए पक्षांतर करने का गुण समझिए हमें एम का मान निकालना है तो हमें क्या करना होगा इस संख्या संख्या को एक तरफ लाना होगा और एम को एक तरफ तो हम एम को तो इधर उठा के ले जाएंगे और इसे इधर ले जाएंगे इनके चिन्ह बदल देंगे दोनों के देखिए एम यहाँ माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का और ये यह संख्या यहाँ प्लस की इधर जाके हो जाएगी ये की माइनस की यहां कोई निशान नहीं तो प्लस का माना जाता है और इसका तो दिख रहा है माइनस है तो ये हो गया प्लस इसे अब घटा दो बस वो उत्तर आ जाएगा हमारा दो हजार चौहत्तर वाला हमारा उत्तर सही है ठीक है तो पक्षांतर करना जो इस अभ्यास में मेनली जो सवाल है वो पक्षांतर करने पर आधारित है तो पक्षांतर करना आपको आना चाहिए हम फिर सिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं अब चलते हैं सवाल नंबर पांच की तरफ ये भी पक्षांतर पर आधारित है इसमें भी देख लीजिए इसमें तीन संख्याएं के साथ है माइनस एक्स बराबर है ये तो मैं एक बार लिख देता हूँ सवाल को सात छ चार दो प्लस आठ छे सात प्लस पाँच चार तीन माइनस एक्स बराबर दो आठ नौ तीन इसे जब हम हल करेंगे तो हमें एक्स का मान निकालना है। जैसे पिछले सवाल में एम का निकालना था हमें एक्स का निकालना है तो देखिए इसके पीछे कोई निशान नहीं तो ये प्लस की है ये प्लस की है ये प्लस तो इन दोनों इन तीनों संख्याओं को पहले एक साथ जोड़ लो क्या करेंगे इन तीनों को पहले एक साथ जोड़ लेंगे तो इन तीनों को पहले एक साथ जोड़ लो तो ये आ गया सात और दो नौ और तीन बारह का दो हासिल एक छः और चार दस चार चौदह और एक पंद्रह का पाँच हासिल एक आठ और चार चौदह एक पंद्रह पाँच बीस हासिल दो और सात तो और दो नौ ये आया जी नौ हजार बावन माइनस एक्स बराबर दो आठ नौ दो नौ तीन अब जैसा मैंने बताया था पीछे कि इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस का तो पहले तो नौ जीरो पाँच दो माइनस दो आठ नौ तीन तो दो आठ नौ तीन इसमें से घटा दो हासिल का घटाना है बारह में से तीन गया नौ चौदह में से नौ गया पाँच नौ में से आठ गया एक और आठ में से दो गया छः छः एक पाँच नौ हमारा उत्तर आ जाएगा अब एक बात और यहाँ बता रहा हूँ इसे और ध्यान समझ लीजिए मान लो सवाल में यहाँ पर ये यह प्लस होता नौ जीरो दो पाँच दो प्लस एक्स बराबर दो आठ नौ तीन ध्यान से समझिएगा इस सवाल में नहीं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं पक्षांतर आपकी समझ में आ जाए इसलिए तो देखिए इसमें एक्स को ले जाने की जरूरत तो नहीं है यहां पर हम एक्स को इधर क्यों लेके गए ताकि ये प्लस बन जाए हम कोशिश करते हैं प्लस बनाने की जिसका मान हमें निकालना होता है तो यहाँ तो पहले से प्लस है तो हम इसे उठा के ले जाएंगे इधर तो ये क्या होगा दो आठ नौ तीन में से नौ जीरो पांच दो को माइनस हो जाएगा इधर आके क्योंकि ये प्लस का इधर आके हो गया माइनस का अगर ये माइनस का इसलिए हम इसे उठा के ले गए इधर तो इसे इधर उठा के ले आए हैं पर यहाँ पे क्या होगा कि संख्या एक तरफ इस आराम से एक बार में आ जाएगी हमें इसे उठा के इधर और इसे उठा के इधर करने की जरूरत नहीं है अगर ये प्लस का है तो अब आप दूसरी बात कहेंगे इसमें से ये तो घटेगा नहीं इसमें से ये नहीं घटेगा पर हम घटाएंगे इसमें से इसे ही पर लास्ट में उत्तर में क्या लगा देंगे हम माइनस लगा देंगे बस समझ में आ रहा है ना आपको लास्ट में उत्तर में क्या लगा देंगे बस माइनस लगा देंगे तो पक्षांतर करने का तरीका थोड़ा मैंने दोनों को एक साथ समझाने का प्रयास किया है अगला है एक दो तीन चार प्लस दो तीन चार पांच माइनस तीन चार पाँच छ प्लस चार पाँच छह सात इसे हमें बताना है क्वेश्चन मतलब इन चारों में से इसका कौन सा उत्तर सही से हल करना है तो देखिए जरा गौर से चार संख्याएं हैं एक है एक दो तीन चार दूसरी है दो तीन चार पांच तीसरी फिर माइनस लग गया है तीन चार पाँच छ और चौथी फिर प्लस लग गया है चार पांच छह सात तो चार संख्याओं में कौन कौन सी प्लस की और कौन कौन सी माइनस की सबसे पहले उसे देख लेते हैं देखिए ये वाली संख्या प्लस की ये प्लस की और ये प्लस की ये तीन संख्याएं है हैं हमारी काय की हैं प्लस की हैं और ये अकेली है संख्या माइनस की क्योंकि हमारी संख्याओं के निशान इसके पीछे वाले माने जाते हैं ये प्लस की ये प्लस की ये प्लस की है और ये माइनस की तो जो संख्या एक जैसे चिन्ह की होती है सबसे पहले उन्हें जोड़ लेते हैं तो हम इन्हें जोड़ लेंगे एक दो तीन चार दो तीन चार पांच चार पाँच छ सात इन्हें हमने क्या करा जोड़ा क्या करा जोड़ा क्योंकि तीनों प्लस की हैं पांच और चार नौ और सात सोलह हासिल का एक चार और तीन सात और एक आठ और छः, चौदह हासिल का एक पाँच और तीन आठ और दो दस और एक ग्यारह का एक हासिल का एक चार दो छः, सात और एक आठ आठ हजार एक सौ छियालीस इसमें से इसे माइनस कर दो क्योंकि ये अकेली माइनस की है तो ये जीरो चौदह में से पांच गया नौ दस में चार गया छह सात में तीन गया चार चार छः नौ जीरो ये वाला उत्तर हमारा सही है और अगर मान लो एक संख्या एक्स्ट्रा सवाल जो बताता हूँ उसे गौर कर लीजिएगा अगर मान लो यहाँ पर एक संख्या और माइनस की दी होती छः सात आठ नौ ऐसे तो है नहीं ये चार तो है इसके साथ ये माइनस की होती तो दोनों माइनस माइनस वालियों को हम जोड़ लेते हैं इन तीनों को जोड़ते ही आ गया दोनों माइनस वालों को जोड़ते जो आता वो आता फिर दोनों क्या करते घटा देते मतलब हमें एक जैसी संख्याओं को जोड़ना है यानी कि दोनों माइनस माइनस के दोनों को घटाना पड़ेगा प्लस वाली एक साथ जोड़ो माइनस वाली एक साथ जोड़ो और लास्ट में फिर घटा दो जो बड़ी है उसमें से छोटी संख्या ठीक है अगला सवाल अब गुणा पर आधारित है माइनस एक की पचास बार गुणा करने पर कितना आएगा माइनस एक आएगा प्लस एक आएगा पचास आएगा या माइनस पचास आएगा देखिए जब भी माइनस की संख्या गुणा करते हैं खासकर माइनस एक की अगर वो सम बार गुणा हो रही है ये एक सम संख्या है इससे पीछे वाली अभ्यास में मैंने भी पढ़ाया सम संख्या किसे कहते हैं जो दो से पूरी पूरी कट जाती हैं तो ये दो से पूरी पूरी कट जाएगी पच्चीस बार तो ये सम संख्या है तो अगर सम बार गुणा हो रही है माइनस एक की माइनस एक की कितनी बार गुणा हो रही है सम संख्या बार तो उत्तर हमेशा प्लस एक आता है और माइनस एक की माइनस एक की अगर कितनी बार गुणा हो रही है विषम बार क्योंकि इस सवाल में विषम है देखो पैंतीस दो से नहीं कटेगा पूरा पूरा तो उत्तर आएगा माइनस एक तो इसमें प्लस एक उत्तर है इसमें माइनस एक उत्तर है ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है मिशिल से एक सेकेंड का प्रश्न है अगर आपको ये बात पता है सबसे पहले सम विषम पता होना चाहिए उसके बाद ये अगर माइनस एक की गुणा हम संवार करेंगे तो प्लस एक आएगा और संवार करेंगे तो माइनस एक आएगा अब चलते हैं सवाल नंबर नौ की तरह सवाल नंबर नौ है हमारा नौ आठ सात चार छ चार गुणा जीरो इसमें से बताओ कौन सा उत्तर सही है देखिए बेहद आसान सवाल आधे है आधे सेकंड तो मैंने आपको बताया था जब मैं गुणा का सवाल कर रहा था तीसरा नंबर वाला मैंने बताया था किसी भी संख्या के जीरो में गुणा करते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाती है जीरो चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो तो ये क्या हो जाएगी हमारी जीरो इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगला सवाल गुणा का है पर उसे हम शॉर्ट तरीके से करना सिखाएंगे आपको पच्चीस गुणा चार सात छः पाँच चार गुणा चार तो इसमें क्या करेंगे देखिए अगर बच्चे क्या करना करेंगे पहले इसकी इसमें गुणा करेंगे फिर उसकी चार में गुणा करेंगे पर पेपर में इतना टाइम नहीं होता पेपर में इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पहले पच्चीस की गुणा करें फिर चार की गुणा करें हम क्या करेंगे शॉर्ट तरीके से करेंगे सवाल कैसे करेंगे वो देखिए ठीक सबसे पहले हम ऐसी संख्या गुणा कर लेंगे देखिए तीन में से ऐसी संख्या गुणा कर लेंगे जहां से जीरो बन जाएंगी तो इन दोनों की अगर हम गुणा कर दें तो हमारा सौ हो जाएगा यानी कि दो जीरो आ जाएंगी यानी कि चार सात पांच चार छह हम गुणा कर सकते हैं गुणा में तो ऐसे भी और ये आ जाएगा हमारा सौ पच्चीस की चार में गुणा कर कितना आएगा सौ और ये मैंने गुणा करना भी आपको सिखाया था कि एक की गुणा तो उतना ही आ जाएगा और दो जीरो लगा देंगे बस तो इतनी बड़ी गुणा करने में हमें कितना सेकंड का टाइम लगा दस सेकंड का क्योंकि पच्चीस चौका सौ और दो जीरो इसके आगे बस आ गई ठीक है इस नियम को हम कहते हैं गुणा का क्रम नियम जब हम गुणा के क्रम बदल देते हैं यानी कि हमने इसकी गुणा इसे छोड़ के कर दिया ना तो क्रम बदल ही गुणा करिए तो गुणा का क्रम नियम कहते हैं हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए इसलिए मैं यहाँ आप पर आपको बता दे रहा हूं ठीक है गुणा का क्रम विनिमय नियम अगला है नौ आठ सात गुणा छिहत्तर प्लस नौ आठ सात गुणा चौबीस तो इसे भी करने का शॉर्ट तरीका है वो बता रहा हूँ और नियम भी बताऊंगा कौन सा नियम लग रहा है नौ आठ सात गुणा छिहत्तर प्लस नौ आठ सात गुणा चौबीस तो देखिए वैसे तरीका क्या है इसकी इसमें गुणा कर लो इसकी इसमें कर लो फिर दोनों को जोड़ दो पर उसमें बहुत टाइम लगेगा तो हम क्या करते हैं देखिए ये एक संख्या मानी जाएगी और बीच में जो प्लस लग रहा है ना वो दोनों संख्याओं को अलग अलग कर रहा है और दूसरी संख्या पूरी ये मानी जाएगी प्लस और माइनस के जो निशान होते हैं वो संख्याओं को हमारा अलग अलग, अलग भागों में बांट देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं दोनों संख्याओं में हम देख रहे हैं नौ आठ सात इसमें भी है नौ आठ सात इसमें भी है दिख रहा है ना आपको नौ सो सतासी इसमें भी है नौ सो सतासी इसमें भी है तो इसे हम ले लेंगे कॉमन कॉमन लेने का मतलब होता है इसे हमने बाहर निकाल लिया अब यहां कितना बचेगा छिहत्तर प्लस यहां कितना बचेगा चौबीस समझ रहे हैं ना दोनों संख्याओं में जो भी संख्या एक जैसी है उसे बाहर लिखेंगे और जो बचेगा वो अंदर लिखेंगे बीच में जो निशान है वो ऐसी रहेगा निशान किसका है प्लस का तो दोनों को जोड़ देंगे नौ सौ सतासी ये हो गया हमारा सौ और सौ की गुणा मुझे बताइए आपको कैसे आएगी इसमें कोई निशान नहीं तो गुणा का माना जाता है इसके आगे केवल दो जीरो लग जाएंगी ये वाला उत्तर यहाँ ठीक है ये वाला उत्तर इसमें ठीक था समझ में आ गया पेपर में लंबी चौड़ी गुणा मत करने लग जाना इसे हम कहते हैं वितरण नियम कौन सा नियम कहते हैं वितरण नियम ये भी विकल्प में कहीं पूछ ले आपसे चलते हैं सवाल नंबर बारह की तरफ छुणा तीन ब्रैकेट तीन माइनस एक बराबर क्वेश्चन मार्क जाने की इसका हमें उत्तर बताना है कितना आएगा तो देखो जी सवाल उतार लीजिए पहले छह गुणा तीन और तीन माइनस एक तो सबसे पहले ये छह ती अठारह मत करने लग जाना सबसे पहले इसमें से घटा दो इसे छः गुणा तीन और ब्रैकेट में कितना बच गया ये दो बच गया और इन दोनों के बीच अभी मैंने बताया था कोई निशान नहीं तो क्या का माना जाता है गुणा का अब गुणा कर लो तीनों की छह तीन अठारह छत्तीस इस पर टिक मार दो फटाफट से इतना टाइम नहीं है पेपर में जल्दी से दिमाग चलना चाहिए बहुत तेरवा सवाल अंकों तीन जीरो आठ से बनने वाली तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या है इस तरीके के सवाल मैंने संख्या पद्धति जो चैप्टर है उसमें बताया था तीन अंक अगर हमें दे रखे हैं तो सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे सबसे बड़ा अंक उसके बाद उससे छोटा उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे सबसे पहले सबसे छोटा अंक फिर ये और फिर ये पर ये गलत है जीरो शुरू में आ जाएगा तो संख्या केवल दो अंकों की रह जाएगी मैंने जवाब ही बताया था यहां दोबारा बता रहा हूं इससे पहले ये पलट जाएंगे आपस में तीन जीरो आठ तो ये सबसे बड़ी हो गई ये सबसे छोटी फिर क्या निकालना है इनका गुणनफल निकालना है यानी गुणा करनी है इनकी आठ सौ तीस की तीन सौ आठ में आप गुणा खुद कर सकते हैं इतना आपको आता होगा मेनली काम मेरा ये बताने का था जो आएगा उसे उत्तर को आप इसमें टिक कर लीजिएगा ठीक है सवाल नंबर चौदह पर चलते हैं तीन अंकों की सबसे बड़ी व चार अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है अंकों के आधार पर संख्या मैंने सिखाई थी तीन अंकों की सबसे बड़ी मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो जितने अंकों की पूछेगा उतनी बार नौ लिख देना है तो कितनी बार आ जाएगा तीन बार और चार अंकों की सबसे छोटी पूछी है तो छोटी में क्या करते हैं जितने अंकों की पूछी है उससे एक कम जीरो लगाते हैं एक के आगे एक दो तीन लगेंगे चार अंक हो जाएंगे और इनकी गुणा करना भी बहुत आसान है गुणनफली पूछा है इसमें भी कैसे बताया था मैंने एक की गुणा करके तो यही आ जाएगा नौ सौ निन्यानवे और इसमें कितनी जीरो लगा देंगे एक दो तीन हम लगा देंगे जीरो तो कौन सा उत्तर सही है ये वाला उत्तर इसमें सही है मेनली आपको ये लिखना आना चाहिए गुणा तो आप करना आता ही है सवाल नंबर पंद्रह की तरफ चलते हैं एक बोरे में पिचानवे किलोग्राम गेहूं है एक सौ पच्चीस बोरे में कितने किलो गेहूं आएगा तो ये जो सवाल है ये थोड़ा हो गया इबारती प्रश्न इन्हें कहते हैं इबारती प्रश्न अब इस सवाल में हमें सोचना है कि हम गुणा करेंगे जोड़ करेंगे भाग करेंगे या घटाना करेंगे इन चारों में से एक काम होगा कोई सा दिमाग हमें ये लगाना देखिए एक बोरे में कितने किलोग्राम के हुए पिचानवे ये बोरे बना दिए हमने 125 बोरे तो बना नहीं सकते डॉट डॉट लगा के 125 बोरे ये हो गए मान लो इसमें पिचानवे इसमें पिचानवे इसमें पिचानवे ऐसी इस इस पिचानवे है तो या तो पिचानवे एक बार जोड़ लो और किसी भी चीज का लगातार बार जोड़ना ही तो क्या कहलाता है हमारा गुणा कहलाता है इसका मतलब हम क्या कर लेंगे एक में पिचानवे की कर देंगे गुणा वो हमारा आएगा उत्तर मतलब मेनली इस सवाल में हमें क्या करना था गुणा करना था लैंग्वेज हमें कुछ लिखनी नहीं है इसलिए मैं भी लिखनी सिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि पेपर हमारा क्या होता है टिक मार्क होता है तो मेनली मुझे आपको सिखाना है कि गुणा होगी ये भाग होगा वो आपको समझ में आ रहा है अगर एक बोरा पचानवे किलो का है तो एक बोरे कितने किलो के होंगे ये एक ही नियम कहलाता है सवाल हमारा तो उसमें गुणा कर देंगे एक में पचानवे की उतने किलोग्राम हमारा आ जाएगा उत्तर अगला है दो संख्याओं का गुणनफल है छः दो जीरो एक यदि पहली संख्या तिरप्पन है तो दूसरी संख्या क्या है तो इसमें क्या करेंगे देखिए दो संख्या है पहली गुणा दूसरी कितना आ रहा है गुणनफल छः दो जीरो गुणनफल का मतलब ये इन दोनों गुणा करके उत्तर आ रहा है ये एक संख्या इसमें से तिरपन है दूसरी हमें पता नहीं तो हमने ये मान ली एक्स ठीक है x का वो ही मान बताएंगे वही हमारा उत्तर है तो मैंने अभी क्या बताया था आपको जो हमें मान निकालना होता है दूसरी संख्या को पक्षांतर कर देते हैं जो गुणा का पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा भाग तो x बराबर आ जाएगा छह दो जीरो एक बटे तरेपन तिरपन से क्या कर देंगे भाग कर देंगे इसमें तो पहले जाएगा तिरपन एकम तिरपन बार बारह में से तीन गया नौ यहां तो जीरो बचेगा जीरो उतारा फिर तिरपन एकम तिरपन बार गया तो कितना बचा सात या तीन एक बचा और अब जाएगा ये सात बार तो उत्तर आ जाएगा एक सौ सत्रह ठीक अगला है तेईस छात्रों ने पिकनिक की योजना बनाई यानी कि तेईस छात्र जो है पिकनिक मनाने गए यदि पिकनिक पर बारह हजार नौ सौ पचानवे रुपए खर्चा हुआ तो प्रत्येक छात्र ने कितनी धनराशि दी अब आप इसमें दिमाग लगाना कि इसमें गुणा करनी है इसकी इसकी या भाग करना है या घटाना है या जोड़ना है क्या करना है दिमाग लगा चलो मैं समझाता हूँ आपको देखिए तेईस छात्र पिकनिक पर गए टोटल खर्चा कितना आया बारह सौ पिचानवे यानी कि तेईस छात्र गए एक दो तीन ऐसे ही हमारे तेईस छात्र हैं और टोटल जो खर्चा इन्होंने कंट्रीब्यूट करके दिया वो दिया बारह हजार नौ सौ पिचानबे ठीक है अब इसने मान लो दस रुपए दिए दस इसने दिए दस इसने यानी कि जितनी बार तेईस बार जुड़े हैं पर हमें पता नहीं कितने कितने दिए तो हम ये मान लेंगे एक्स इसने दिए एक्स इसने दिए एक्स इसने दिए और तेईस बार दिए तेईस बच्चे हैं हर एक ने एक बराबर पैसे दिए सब ने तो एक्स 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 को जब तेईस बार जोड़ेंगे तो आएगा तेईस एक्स तो बराबर टोटल पैसे कितने बारह हजार नौ सौ फिर वही जैसे ऊपर नियम बताया मैंने पक्षांतर करने वाला गुणा का निशान माना जाता है तेईस आ जाएगा इसके बटे में तो बारह हजार नौ सौ में तेईस से कर देंगे हम भाग क्यों पक्षांतर करने पर गुणा का क्या हो जाता है भाग तेईस से भाग कर देंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा मैं सीधे भाग कर दे रहा हूँ तेईस पंजे एक सौ पंद्रह बचे हमारे चौदह तेईस छिक्के एक सौ अड़तीस और फिर हमारा तेईस बन जाइए इतना उत्तर आएगा पाँच सौ पैंसठ ठीक है वैसे भी आप अंदाजा लगा लेंगे पेपर में कि इसमें भाग ही होगा क्योंकि गुणा करने पर तो कोई भी उत्तर मैच नहीं करेगा ना घटाने पर ना जोड़ने पर कभी कभी यह क्या होता है कि हमें उत्तरों से भी प्रश्न का निष्कर्ष निकाल सकते हैं उत्तर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें गुणा होगा भाग होगा घटाना होगा क्या होगा क्योंकि देखिए गुणा करेंगे तो बड़ा आएगा गुणा करने पर संख्या बढ़ेगी पाँच अंक की तो पहले से उत्तर सारे तीन अंकों में आ रहे हैं जोड़ेंगे तो भी घटाएंगे तो अभी पांच अंक का रहेगा तो केवल भाग करने पर ही संख्या तीन अंकों की आ सकती है तो सीधे सीधे भाग कर दीजिए तो उत्तर देख के भी हम अपने प्रश्न के हल्का अंदाजा लगा सकते हैं अगला सवाल है तेईस दो जीरो जीरो में एक सौ पैंतालीस का भाग करें तो एक सौ साठ आ रहा है तो तेईस दो जीरो जीरो में एक सौ साठ का भाग करेंगे तो कितना आएगा तो देखिए बहुत आसान सवाल है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है तेईस दो जीरो जीरो में एक सौ पैंतालीस से भाग करने का मतलब है बटे में एक सौ पैंतालीस तो उत्तर आता है एक सौ साठ अब अगर हम इन दोनों को अल्ट पल्ट कर दें यानी कि इसे यहाँ ले जाए इसे यहाँ ले जाए वो हम ले जा सकते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसे हम उठा के इधर लिख रहे हैं इसे उठा के इधर लिख रहे हैं पक्षांतर कर रहे हैं जो भाग में वो यहाँ पहुँच रहा है जो इधर है वो भाग में पहुंच रहा है तो तेईस दो जीरो जीरो में एक सौ साठ से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा एक सौ पैंतालीस आ जाएगा उत्तर तो कौन सा हो गया एक सौ पैंतालीस इतना सा सवाल था मुश्किल से पांच सेकेंड का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरीके से जरूर कर पाएंगे अगला सवाल है पचास में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या पचास में से घटा दी जाती है प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है तो देखिए दो संख्या प्राप्त हुई है एक तो पचास में कोई पूर्ण संख्या जोड़ दी पता नहीं कौन सी है तो हम मान लेंगे एक्स फिर एक बार इसे घटा दी एक बार जोड़ी जाती है और एक बार वही संख्या घटा दी जाती है तो ये दो संख्या प्राप्त हो गई प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है वो बताना है तो इन दोनों को जोड़ दो पचास प्लस एक्स प्लस पचास माइनस एक्स अब यहाँ एक नई बात बता रहा हूं आपको अगर एक जैसी संख्या है और एक प्लस की है और एक माइनस की तो वो कट जाती है बिल्कुल एक जैसी होंगी तो और ये पचास और पचास देखो ये प्लस की ये प्लस की तो जुड़ेंगी तो पचास पचास कितना आ गया सौ उत्तर आ जाएगा इसका सौ ठीक अब चलते हैं सवाल नंबर बीस की तरफ एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक का समसंख्यक पदों का योग है समसंख्यक का मतलब क्या होता है समसंख्यक का मतलब होता है कि इसे दस बार जोड़ा गया है या बारह बार जोड़ा गया या बीस बार जोड़ा गया पंद्रह बार नहीं जोड़ा गया यानी कि ऐसी संख्या बार जोड़ा गया जो दो से कट जाती है संख्या कौन सी होती है जो दो से कट जाती है चलो मैं इसे बीस बार चौदह बार जोड़ लेता हूँ एक माइनस एक एक माइनस एक एक माइनस एक छः हो गया सात हो गया आठ हो गया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस हो गया ग्यारह बारह तेरह चौदह सम समसंख्यक बार है कि नहीं है चौदह बार जोड़ा है अब देखो ये एक में से एक गया जीरो प्लस माइनस ये कट गए प्लस माइनस ये कट गए प्लस माइनस कट गए प्लस माइनस कट गए कितना उत्तर आ गया जीरो जब सारे कट जाते कितना आता है जीरो अगर वो यहाँ कहता कि विषम संख्या में जोड़ना है विषम संख्या मतलब एक और बढ़ेगा इसमें आगे पंद्रह हो गए तो जो लास्ट में बचेगा वो वाला हमारा हो जाता उत्तर मैंने इसमें एक चीज और आगे बढ़ा के आपको बता दी है पेपर में वो सवाल में तो ये कह रहा है कि सम संख्यक जोड़ा गया है पर मैंने क्या करा है विषम संख्यक भी जोड़ के बताया है जितनी संख्यक कहेगा उतनी संख्यक हमें जोड़ना है ठीक है और जो कट गए प्लस माइनस वाले कट जाते तो हमेशा जीरो बचता है कटते कब है जब एक का चिन्ह प्लस होता है एक का माइनस और दोनों बिल्कुल सेम होते हैं ये एक एक कटा ये एक कटे ये कटे अगर सम समसंख्यक बारह तो उत्तर जीरो विषम वे समख्यक बारह तो उत्तर प्लस वन अगला है जब अस्सी हजार आठ सौ आठ यानी कि आठ जीरो आठ जीरो आठ को एक सौ आठ से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को नौ जीरो नौ जीरो को एक सौ नौ से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तो भागफल है देखिए भाग का सवाल है थोड़ा टिपिकल सा है करना कुछ नहीं है देखिए समझाता हूं आपको सबसे पहले क्या करना है इसको 108 से भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है पहले यहां तक सवाल करो पहले इसको इससे भाग देकर शेष फल निकालो आठ जीरो आठ जीरो आठ को एक जीरो आठ से भाग करना है तो सबसे पहले देखिए इस दोनों संख्याओं को मतलब दस अट्ठे अस्सी या तो आठ बार जाएगा या सात बार जाएगा या तो उतनी बार जाता है या उससे कम तो आठ बार तो जाएगा नहीं सात बार ही जाएगा ये सात अट्ठे छप्पन सात एकम सात दो बचा पांच बचा अब देखो दस से और पचास से पांच बार जाएगा चार बार तो ये चार बार जाएगा पांच चार अठे बत्तीस चार एकम चार आप करके देखिएगा पांच बार भी मेरे को तो पता है इसलिए मैं कर रहा हूं फिर से उतार लेंगे और अब ये जाएगा आठ बार तो शेष बल कितना आ गया हमारा चौबीस यहां तक की बात पता पड़ गई यहाँ चौबीस लिख सकते हैं इसके बाद कह रहा है नौ जीरो नौ जीरो नौ को एक सौ नौ से भाग करना है तो एक सौ नौ से भाग कर दो नौ जीरो नौ जीरो नौ को तो ये जाएगा दस निम्मा नब्बे नौ बार नहीं जाएगा आठ बार ही जाएगा आठ निम्मा बहत्तर आठ एक आठ नौ में से दो के सात बचा दस में सात के तीन बचा जीरो उतारा अब दस और ये सैंतीस तीन बार जाएगा तीन सौ सत्ताईस तीन बचा चार बचा नौ उतार लिया और अब ये चार बार जाएगा तीन बचा इसका शेषफल बचा तीन यहां लिख देंगे तीन अब इन दोनों को भाग करना है यानी कि तीन से भाग करना है चौबीस में सवाल यही तो कह रहा है इसको इससे भाग करने पर जो शीर्ष आ रहा है इसको इससे भाग करने पर जो शीष आ रहा है इसे भाग करके बताओ कितना उत्तर आएगा तो चौबीस से मत भाग कर दो तीन से कितनी बार गया जी आठ बार तो हमारा उत्तर आ गया इसमें आठ तो आज हमने इसमें इक्कीस सवाल लिखे हैं इक्कीस सवाल आपको बताए हैं पूरा टॉपिक क्लियर किया है पूर्ण संख्याओं का जोड़ घटाना घुबड़ा भाग और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम वो देखे इस चैप्टर से जो आते हैं वो सब हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताएंगे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें आज की वीडियो यहीं खत्म होती है थैंक यू